शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। खबर मथुरा के मार्ट से है, जहां थाना क्षेत्र के गांव अस्तल अताल निवासी युवक कस्बा मार्ट में लग रहे पेंट बाजार से सब्जी खरीदने आया था। उसने अपनी बाइक सागर मेडिकल स्टोर के सामने खड़ी कर दी और सब्जी खरीदने चला गया। वहीं सब्जी खरीद कर लौटा तो वहां उसकी बाइक नहीं थी। वहीं युवक ने अपने स्तर से बाइक की तलाश की, सफलता न मिलने पर थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आसपास के दुकानदारों से पूछताछ की, पर कोई भी सुराग नहीं मिला। पुलिस मेडिकल स्टोर और उसके आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले में जुट गई है। मामला झाबुआ जिले का है, जहां झोलाछाप डॉक्टरों का बोलबाला रहता है। आए दिन झाबुआ जिले के झोलाछाप डॉक्टरों के द्वारा कोई ना कोई घटनाएं होती रहती हैं। ऐसा ही एक मामला थांदला शहर के मुख्य चौराहे पर साई नर्सिंग होम पर देखने को मिला। बता दें कि नगर में एक फर्जी नर्सिंग होम में फर्जी डिग्रीधारी इलाज कर रहे, जो कि जनता के साथ इलाज के नाम पर खिलवाड़ कर रहा है, जिसे देखने वाला कोई नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी को चांदी के जूते पहना दिए जाते हैं। ऐसे मामले कई बार हो चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग मौन है, कार्रवाई के नाम पर शून्य है। कमला मैडा, कमला फुलजी, कहाँ रहते हो आप? वालापुर। क्या हुआ? लट्टी को लाया था, बुखार आता था, वो इधर बोला एडमिट कर लो, हमने बोला कि कर लो, वो तो 4 दिन लगेगा, इसको आराम पड़ेगा। मैंने भी चलो ठीक है कर लो, इसे बोला कि आज 2 दिन हुआ था, 2 दिन में हम छुपे आए थे इधर, छुपे थे फिर टेंशन की बात नहीं है ऐसे बोला डॉक्टर। फिर थोड़ी देर से हम घर चला गया, घर चले गए, काम तो करते हैं खेती बाड़ी में, काम करते हैं, तो वो ये लेडीज थी, घर चला गया। तो इसके बाद फोन आयो कि इसको ले जाने पड़ेगा उधर। हम आया इतने गाड़ी करके यहाँ से गाड़ी करके लेडीज को साथ में लड़की को बैठा दिया। हम आया तो आके रस्ते में मिला तो मेघ नगर ले गया जीवन ज्योति में ले जाता, जैसे जाते ही हो गया इसका, ऐसा हो गया। कल इनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो इनको साई हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जिसके बाद इनको आज ज़्यादा तबीयत खराब होने से अस्पताल द्वारा दाहोद रेफर किया गया, जिससे रास्ते में महिला की मृत्यु हो गई है। इसको बाद में फिर उनके परिजन द्वारा थाने पर आकर सूचना दिए, तो प्रथम दृष्टा उनकी रिपोर्ट लिखते हुए मर कायम कर लिया गया है, अब जांच की जा रही है। सर, परिजन का आरोप है कि इसमें यहाँ भर्ती किया था, रेफर नहीं किया था, और 3,000 जमा भी करवाए थे उनसे फीस। इसकी जानकारी नहीं है, बाकी जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनसे अवगत कराया जाएगा। तो करेंगे अगली खबर की ओर। खबर चित्रकूट से है, जहां घर के सामने सीढ़ी बनाने को लेकर हुए विवाद में युवक ने मारपीट कर घर से निकालने का गंभीर आरोप लगाया। बता दें कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक पर लाठी डंडों से हमला किया। वहीं पीड़ित द्वारा संबंधित थाने में तहरीर देकर गुहार लगाई गई। न्याय न मिलने पर पीड़ित परिवार सहित SP कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। सरया चौकी क्षेत्र के गड़चपा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और 5 बजे और काफी के ग्यारह काम आराम आज कौन लोग मारे मारी मिंटू सिंह पोला सिंह का लड़का मुन्ना संतोष सिंह का लड़का मिंटू कहे से मारे विकास सनी गड़जपा के आ रहा हूं प्रकाश इतने आदमी मारी नहीं औरन का नहीं चीन है पाई खड़े अब मारे हमका घर से निकाल दिया रात के गए फिर गाड़ी दिया मुहार से का हम जो मौका पान 12-1 बजे हम घर से निकल गया है लाले बच्चा हमारे। खबर चित्रकूट से है, जहां सवारियों से भरे टेम्पो के सामने दो गौवंश लड़ते लड़ते आ जाने से टेम्पो पलट गया। वहीं महिला को गंभीर चोट आई और 3 लोगों को मामूली चोटें आईं। बता दें कि चित्रकूट मत्य गजेंद्रनाथ मंदिर में पति पत्नी जल चढ़ाने जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। करवी कोतवाली क्षेत्र के बेड़ी पुलिया के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। कैसे क्या घटना हुई है? हम शंकर बाजार से रामघाट के लिए मतगंजन स्वामी के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में बेड़ी पुलिया के पहले रास्ते में दो गाय लड़ती हुई आ गई, उसी में से टाइम पर एक्सीडेंट हो गया और पलट गया। तो मेरी पत्नी है ये नीलम देवी, इनके सर पर चोट आई,
और शरीर में चोट आई, हमारे भी हल्के फुल्की चोट आई है और 6 लोग उसमें सवार थे तो और ज़्यादा विशेष किसी को चोट नहीं आई है। ड्राइवर रुका था कि भग गया फिर वो? नहीं, ड्राइवर आया था यहाँ छोड़ करके गया है। अच्छा, यहाँ अस्पताल छोड़ने आया? हाँ, अस्पताल तक छोड़ने आया, भगा नहीं। और ज़्यादा चोट किसकी आई थी? ये नीलम देवी। और किसी के चोटें नहीं? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम। खबर चित्रकूट से है, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में रायपुरा पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जहां उन्होंने 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को 50 किलो अवैध गांजा, 2 अवैध तमंचे और 4 जिंदा कारतूस और 3 अदद मोबाइल फोन और 1 स्कॉर्पियो वाहन के साथ गिरफ्तार कर लिया। सूचना प्राप्त हुई कि एक स्कॉर्पियो में, जो कि छत्तीसगढ़ नंबर की है, उसमें 3 लोग जो है गांजे की सप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। इसकी निशानदेही पे इन तीनों लोगों को पकड़ा गया और तीनों लोगों की निशानदेही पे जो स्थानीय यहाँ पे एक जो है गांजे का अवैध कारोबार करते हैं, वो उनके यहाँ दबिश दी गई कि उनके यहाँ जो है लल्ला सिंह को श्रवण कुमार सिंह बांधी के आवास से 25 किलो गांजे की बरामदगी हुई। उसके पश्चात जो है पुनः जो है ये 25 किलो इनके पास और था जो अन्य रिटेलर को इनको बेचा जाना था, जो गाड़ी से ही बरामद हुआ। लल्ला सिंह इस समय भागे हुए हैं, बाकी शेष तीनों अभियुक्त यहाँ पर गिरफ्तार हैं। जो विवेचना के क्रम में और लोगों के कुछ नाम आए हैं जो उसमें खरीदने में और उसके आगे विक्रय में शामिल हैं, उनको भी जो है तलाश की जा रही, शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जा रही है। ये अंतर्राज्यीय गैंग है जो छत्तीसगढ़ से लेके आते हैं और यहाँ पे चित्रकूट में और अन्य आसपास के जनपदों में इसकी जो है विक्रय करते हैं। अभी पूछताछ की जा रही है, इसमें स्थानीय तौर पे एक अभियुक्त चिन्हित हो गया है, उनकी यहाँ से बरामदगी भी हो गई है। शेष जो अभियुक्त जो खरीदने के लिए और इसके उपयोग में लिप्त हैं, उनकी जानकारी करके उनके विरुद्ध भी ठोस विधिक कार्रवाई की। खबर कैमूर से है, जहां स्वर्ण व्यवसाय को गोली मारकर लूटने वाला 7 अपराधी गिरफ्तार हो गए हैं। कैमूर पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी देते हुए कहा कि स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारकर लूटने वाला अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया कि गिरफ्तार अपराधी द्वारा वर्ष 2022 में रोहतास जिला अंतर्गत दरी गांव थाना प्रभारी पर भी फायरिंग की गई थी, जो जेल से छूटने के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। इन अपराधियों के पास से 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 5 मोबाइल, 3 अदद मोटरसाइकिलें और 3 घटना में प्रयुक्त हुई मोटरसाइकिलें जो थी वो भी बरामद कर ली गई है। एक स्वर्ण व्यवसायी के साथ कुदरा थाना अंतर्गत गोली मारकर लूट की घटना प्रतिवेदित हुई थी। कैमूर पुलिस के द्वारा कांड का उद्भेदन किया गया है। कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुल 14,600 रुपये बरामद भी किया गया है। इसके अलावा सोना भी बरामद किया गया है। जो अपराध में मोटरसाइकिल यूज हुआ था वही बरामद किया गया है, एक कट्टा और 2 गोली बरामद हुआ है। ये कुदरा थाना अंतर्गत घटी थी। ये इसके गिरफ्तारी से ये पूरा गिरोह है जो कई कांडों में संलिप्त रहा है पहले से। इस गिरोह की गिरफ्तारी के बाद यहाँ के 4 केस का खुलासा हुआ है। इसके अलावा भी ये लोग सासाराम के हैं, सभी सासाराम रोहतास जिला के हैं। ये वहाँ भी ये लोग कई कांड में पूर्व में संलिप्त रहे हैं। वहाँ एक थाना प्रभारी दरी गाँव के थे, उनको भी गोली मारकर ये घटना प्रतिवेदित हुई थी। उसमें यही गिरोह सम्मिलित था, उसमें भी ये लोग जेल से छूट के भी आए हैं, अपराध में शामिल हो गए। ये कई इनका काफ़ी लंबा चौड़ा अपराधिक इतिहास है। इसी गिरोह के अशोक यादव और उसके कई सदस्यों को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था, कई और बाकी बच गए थे। अभी ये 6-7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें मुख्य सरगना अभी जो है ये सुभाष है, उसे गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा उसकी एक मित्र है, महिला मित्र है, जो उसे मोबाइल और सिम कार्ड प्रोवाइड किया करती थी, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। जी नहीं, अशोक यादव और ये सुभाष यही मिलकर ये गिरफ्तार किया। अभी 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, एक महिला भी है। इसमें जब्ती जो है, इसमें 1 देसी कट्टा है, जिंदा कारतूस है, 5 मोबाइल है, 3 मोटरसाइकिल जब्त किया गया है और राशि 14,600 रुपया जो लूट का था वो जब्त किया गया है।
पूछताछ में ये तो लगातार जीटी रोड पे ही क्राइम किया करते हैं ऐसा इन्होंने बताया, स्वीकार किया है इस कास्ट के कि इस कांड में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और लगातार जीटी रोड पे ही सक्रिय रहते हैं, वहीं से इनको गिरफ्तार किया। अब इन लोगों को बाकी इनके जो भी आपराधिक इतिहास है लगातार पूछताछ किया जा रहा है और भी कांडों में इनकी संलिप्तता अभी छानबीन की जा रही है। चार कांडों में इन लोगों ने अपना स्वीकार किया है। अब इन लोगों को अग्रसारित किया जाएगा और फिर आगे इन लोगों पे स्पीड ट्रायल चला के कार्रवाई की जाएगी। जिस टीम ने गिरफ्तार किया है, विशेष टीम का गठन किया गया था, इसे जो कुदरा थे, डीआईयू की टीम थी, उन सभी को पुरस्कृत किया जा रहा है। वो सिम कार्ड अपनी माँ के नाम से सिम कार्ड ले लेकर इन लोगों को प्रोवाइड करती थी, तो जितने भी कांड हुए थे उसमें अलग अलग सिम कार्ड का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन एक ही आदमी के नाम से, एक ही महिला के नाम से वो सारे सिम कार्ड थे। जी बिल्कुल, टेक्निकली इसमें काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, उसके बेसिस पे ही इस गिरोह को आइडेंटिफाई किया गया है और फिर गिरफ्तार किया गया है रंगे हाथ इन लोगों क्राइम करते हुए। वो तो हम लोग जांच कर रहे हैं। ये एक स्वर्ण व्यवसाय